हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg स्ट्रॉबेरी की, जो कि बहुत ही फ्रेश है। मैंने इसे धो के अच्छे से छोटे छोटे पीसेस कर रखा है। साथ में लिया है 250 ग्राम गुड़ की। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने पैन चढ़ा लिया है। पैन जब हीट हो जाए तो इसमें डालूंगी 1 स्पून घी की, साथ में कटिंग किया हुआ स्ट्रॉबेरी भी डाल देती हूँ। अब इसे 5 से 6 मिनट के लिए लिड डाल के रख दूंगी, ताकि स्ट्रॉबेरीज में जितने भी वाटर कंटेन है वो अलग हो जाए और स्ट्रॉबेरी को सॉफ्ट कर दें, ताकि अच्छे से मैश हो जाए। चलिए जानते हैं स्ट्रॉबेरी के गुणों के बारे में। स्ट्रॉबेरी रिच होता है विटामिन सी में, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है। इट ऑल्सो एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। चेहरे पर जो भी डार्क स्पॉट्स होते हैं उसे भी कम करता है, और स्किन को भी लाइट करता है। ये इसकी जैम बच्चों को बहुत पसंद आती है, और अगर घर पे बनाए तो बात ही अलग है। वेट कर लेते हैं 5 मिनट होने का। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप सब प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप सबको मिल जाए। पाँच मिनट हो चुके हैं, लिड हटा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कैसे जूसी जूसी से लग रहे हैं हमारे स्ट्रॉबेरी। अब मैं मिक्स कर दूंगी गुड़ को। गुड़ को मैंने कद्दूकस कर रखा है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। कलर भी इसकी चेंज हो चुकी है पहले से। कितने बढ़िया कलर लग रहे हैं ना। अच्छे से कलछी की मदद से प्रेस करके चलाएं। हम लगभग तैयार हो चुका है। इसे ठंडा कर ले। ठंडा करने के बाद इसे कांच की बॉटल पे रख दें। ये 1 वीक तक ऐसे ही खुले पे रखने पे चल जाता है। ब्रेड के साथ या फिर रोटी के साथ इंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।